हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ऑनलाइन क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू टीच योर सिक्स चैप्टर. टुडे एस्टरडे एंड टुमारो. बट इन दिस चैप्टर वी नो अबाउट यूज ऑफ टुडे, यूज ऑफ एस्टरडे एंड यूज ऑफ टुमारो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आपका फर्स्ट में यहाँ पे है एस्टरडे, इधर है आपके राइट में टुमारो, एंड आपका बिटवीन है टुडे. ओके, तो एस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ, कल जो बीत चुका है. तो उसमें हम वाज और वेयर का यूज़ करेंगे. वाज एक सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे और वेयर जो होता है प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे. सिंगुलर मीन्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. सिंगुलर मीन्स जो चीज़ें सिंगल होती है, एक होती है वन, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन और मैनी. टुडे मीन्स होता है बेटा जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है. आज इज आर एम सिंगुलर है, तो इज आई के साथ ऑलवेज एम का यूज करते हैं, और आर हमारा प्लूरल के साथ यूज होगा. टुमारो मीन्स होगा आने वाला. ठीक है, तो विल बी यानी इन द फ्यूचर, जो आपका भविष्य में आने वाला होगा वो. नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल के साथ बताया गया है. टुडे इज मंडे, तो इज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है क्योंकि हमारा प्रेजेंट टाइम में बता रहा है कि आज जो है क्या है, मंडे है, तो इसको हाईलाइट किया गया है. एंड सेकेंड है हमारा एस्टरडे वाज संडे, तो यहाँ पे वाज को हाईलाइट किया गया है, यानी एस्टरडे मीन्स बीत चुका है, यानी कल हमारा क्या था, संडे था. टुमारो विल बी ट्यूजडे, यानी कल हमारा ट्यूजडे रहेगा. तो विल बी यानी आने वाला. कल किसी ने देखा नहीं बेटा, कल हम लोग सपोज करते हैं कि कल आएगा तो ये वर्क करेंगे, वो वर्क करेंगे, तो हमारा वो इन द फ्यूचर हो जाता है. ओके, नेक्स्ट हमारा टुडे इज़ हॉट, तो यहाँ पे इज को हाईलाइट किया गया है. इट मीन्स मैंने आपको अभी बताया, जैसे एवव एग्जांपल में आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो प्रेजेंट टाइम है उसके लिए इज का यूज़ करते हैं. टुडे इज़ हॉट यानी आज बहुत गर्मी है. एस्टरडे वाज हॉट यानी कल बहुत गर्मी थी. टुमारो विल बी हॉट यानी कि कल भी गर्मी होगा, कल या परसों, जब भी. टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल. ओके, अब आपका नेक्स्ट है एग्जाम्पल. टुडे आई एम लेट, तो यहाँ पे एम का यूज है क्योंकि ऑलवेज आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं. एस्टरडे यू वेयर, तुम लेट थे, तो यहाँ पे वेयर का यूज़ हुआ है. ये हमारा पास्ट में हो गया, वो था, ये हमारा क्या है, पास्ट हो गया. ओके, टुमारो दे विल बी लेट यानी कि अगले दिन टुमारो वे लेट होंगे, तो यहाँ पे विल बी का यूज़ किया गया है इन द फ्यूचर. ओके, फिर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है टुडे यू आर हैप्पी, ओके. टुडे यू आर हैप्पी, तो यहाँ पे यू के साथ आर का यूज है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट में है क्योंकि टुडे की बात की गई है. एंड एस्टरडे दे वेयर हैप्पी यानी कि कल वे खुश थे, तो एस्टरडे वेयर का यूज़ किया गया क्योंकि ये पास्ट में है. टुमारो शी विल बी हैप्पी यानी कि कल वो खुश रहेगी, तो यहाँ पे फ्यूचर है. ओके, फिर यहाँ पे आपका जो बॉक्स में दिया गया है इसी में से आपके सेंटेंसेस यहाँ पे राइट डाउन किए गए हैं. अब आपका है बेटा टेस्ट यू सेल्फ सेंटेंसेस. यहाँ पे जो है आपके टेबल में जो है आपको यहाँ पे राइट करना है, नीचे उसमें से देख के आपको क्या करना है, राइट करना है. राइट दिस 12 सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल. यहाँ पे 12 सेंटेंसेस आपको टेबल में से देख के, जो यहाँ पे आपका टेबल दिया हुआ है, ये आपका जो ये क्या है आपका पूरा ये टेबल है, इसमें से आपको नीचे सेंटेंसेस आपको देख के लिखने हैं. तो फर्स्ट वाले में आपका देखिए टुडे है, एंड नेक्स्ट हमारा एस्टरडे है, ब्रैकेट में हमारा है आई ही शी वी यू दे,
इन्हीं को यूज़ करके, और ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आई के साथ, क्या यूज़ लगता है, एम होता है, ईज होता है, क्यार होता है, वहाँ से हम अपना करेक्ट जो होता है चूज़ कर लेंगे, वाज वेयर, और यहाँ पे सारे के लास्ट में एक सेंटेंस में जुटेगा हंग्री। तो इससे हमें एक सेंटेंस बनाना है, 12 सेंटेंस। कितने सेंटेंस? 12। तो फर्स्ट ऑल ऑलरेडी आपका राइट किया गया है, टुडे आई एम हंग्री, आई के साथ ऑलवेज एम का यूज़ होता है, एस्टरडे आई वाज हंग्री, यानी वो बीत चुका है, टुडे वाला प्रेजेंट में है, एस्टरडे वाला पास्ट में है, तो यहाँ पे वाज का यूज़ किया गया है। थर्ड वाला है टुडे शी इज़ हंग्री। उसी तरह सारे सेंटेंस को हमको नोट डाउन करना बेटा, आप लोग बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना, जैसे मैंने इसमें राइट किया है, बिल्कुल इसी में से देख के राइट करना। एस्टरडे सी वाज हंग्री, फोर्थ है, फिफ्थ है, टुडे वी आर हंग्री, सिक्स है एस्टरडे वी वेयर हंग्री, सेवन्थ है टुडे यू आर हंग्री, यहाँ पे आर वाई, यहाँ पे लास्ट में आपका वाई है, ओके। एट है एस्टरडे यू वेयर हंग्री, नाइन्थ है टुडे यू आर हंग्री, 10th है एस्टरडे यू वेयर हंग्री, एच यू एन जी आर वाई हंग्री, 12th है टुडे दे वेयर हंग्री, सॉरी 11th है, 12th है एस्टरडे दे वेयर हंग्री, यहाँ पे ये एस्टरडे है, ओके। बट आपके एक्सरसाइजेज यहीं पे फिनिश होते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ओके, थैंक यू।